मेरे दो टबरां नूं चुक ओए उहनूं आवे किसे दी आए जिन्ने मेरी दूसरी शादी कराई क्यों मेरे बच्चे जमाई चलो भाई वे चलने किथे ने तो आराम नाल की तू मेरे कोल आटा गुनाना है आटा तो मैं नहीं गुनाना मैं तो तेरे कोल रोटियां पकवानियां ने बस ठीक है फिर मैं तेरे पिओ दे तंदूर कलवा लिया अरे बातें गल्लां ना करे कर आराम नाल तो भीड़ी ओ ते मैं कल दोवे दा बैठा ते इंज बैठो जिवें कुकड़ी कुड़क बैंदी ले मैं तू हुण उस घर दा टाइम हो गया तो मैं दे दे मशवरा कर ला मुंडे जवान हो गए ब्याह नहीं जेल भी कराने अपने मासूम नेमत कदा दे घर दे चरगा लिया वो खाना खराब दियो पुत्रो किसे नवाब ने बेई गई मैं तो औकात च रहो बस खाने की कीमती खाओ अच्छा मैं गल कि उस घर का टाइम हो गया बल्कि एक मिनट उत्ते हो गया जे मैं उसे देर नाल गया तो उन्हें मैं कल दस मिनट बाद धक्का देना है तो मैं दीदी मैं चल जा रही मार दी हुक्म है बीवी जी मैं हाजिर हो सकना हूं भावे हाजिर हो तो भावे ना हो असा ते तेरी गैर हाजिरी ला दी ओए मारे दी गंदले बस रजिस्टर खोल के बैठी होनी है जो आवा खुश होया कर क्या बीमार गिरज वर्गा मुंह है तेरा आ गए नुकरज के मैं जाना लगा कमरा साफ नहीं कर दी मैं किस तरह साफ कर दी कोई चीज है कमरा साफ करन दी एडा तेरा कर दे मैं तेन गुडिया लुटन नहीं रखी फिर तो पग बांध तेरा नुकरज फिर सारा जाना लै जाएगा कुन्नी है तू मीस नहीं है मैं पता तेरा सारा मैं तेन किस दिन कागज कागज हाँ ले फर कागज मनसूबा बंदी कित नहीं इस सब्जी के पैसों का कागज 350 रुपए 6 महीने हो गए सर तू एक पैसा नहीं दिता 350 रुपए की कली सब्जी तू खा गई तू मेरा टब्बर है खांगड़ गां है ऐला फड़ दूजा कागज ये चूड़ी का बिल नहीं ये है एक कपड़े के पैसों का बिल असि 500 रुपए के कपड़े दोवे ने जिद मस्जिदी मंगाए सन काफर दे कादल ये तुसी जिद मस्जिदी मोहरा क्यों नहीं खांदी नक च दम मेरे कर दिता जे लैन लगा तीसरा क्वार्टर तीसरे टक्कर नूं मैं उत्थे रखांगा समझिए कि नहीं डाटा फा जाके कदूरी लिया मैं पकान ले लिया जा भाजी ने तो रो पाना चाहिए नहीं तो तल तो सवार हो जाए जो मर्जी लैन अच्छा जी नजीरा तेरा पुत्र अल्लाह की मेहरबानी बशीरा तेरा पुत्र होर की नहीं ठीक है नजीरा तेरा पुत्र है बशीरा तेरा पुत्र है तखाना खराब दियो पुत्रो मैनू खाली वल्दियत लखान ते रखे बेगी कह रही माफ कर दे बेबिया जी बे पुत्रा मैं माफ तुम्हें कर देवा आज तो मेरी ड्यूटी कही नहीं माफ ते इने करना रंगीले दी हमसाई में क्या तोड़े बरगा मुंह होएगा आ त
चल फकीर ममदा हूं तो पुत्र भी तेरे हिस्से की माफी मंगन लग पैने जाओ खाना खराब हो वजे भंभीरियो जहान बीवियां पिछे उजाड़ के ए कोई जा रहा मुकद्दर बिगाड़ के फकीरी आवे लरले आओ बगाड़ू और की बन गई है तेनू बीवी चुख में आ यार फकीरिया तेरे जे अकारी असली दे बंदे नू ए दो बीवियां नहीं सन करनी ये गल ना कहो चाहो फुरतीला तो मैं इना सक मेरे ना गल रेस नहीं सी ला सकता मारे तो गया मैं दो जनानियों के बीच आके मेरी हालत वे के भगत साहब ने भी लिखे है कि दो पान के बीच में साबित रहा ना को मंदी कमी नानका जग तक मंदा ठीक है पर यार फकीरिया तू सदा यार है असि तेनों सलाह दे जे तू कुछ दो चार दिन जिंदा रहना है बीवियां ते रोब रख वो इना को रोब रख के तू घर आवे ते ओ मुड़ को मुड़की हुई चौधरी मुड़ के लोना दा हाथ बड़ा खुले वो ते कुल्फियां भी खांदियां हुंदे उहनां नूं आ जांदे पर जिहड़ियां त्रेलियां उहनां नूं वेख के मैनूं आंदियां ने ओ किहनां नूं आणगियां ओए बीवियां ते रोब पाण दी सोच लवे ना ते तैनूं त्रेलियां कदी नहीं आ सकदियां ओए साडा तजर्बा ही ओ चौधरी तजर्बा का तू मैनूं केहड़ी विखा रहे नवीं कार ते साडा भी तजर्बा सुन तेरियां भी दो जनानियां ने जे सुख चैन जिंदा रहना चाहना ना तो मेरे वांग पीठ हो जा ते हर गल नाल कहो बीवी जी हुक्म आ चल चल तेरियां मेरियां शादियां विच कोई बहुता फर्क नहीं पर जिस दिन दियां तू कीतियां ने ना उस दिन तो तेरे घर विच लड़ाई है ते मेरे घर वाले दी उच्ची आवाज भी अज तक किसी ने नहीं सुनी की समझे ओए तौबा कर जा ओदी तौबा ओए बंदा दो बीवियां करे ते कदी गुरूर ना करे ते असीं लिख के देने आं कि तेरियां बीवियां भी बोलन गियां ते फिर साडे वांग कहंदा फिरेगा बीवी जी हुक्म चलना चल पागल खाने मेरी जिंदगी विच ओ दिन कदी भी नहीं आएगा कि मेरिया बीवियां भी उच्ची बोलन बोलन गियां चौधरी सौकन दी थां जे बुझी हुई सवाह होवे ते रब दी सवाह भी पखन लग पैंदी होवे मैं ले आईया सर आखो जे मैं ले आंदी ते अपने पुत्र वास्ते काले रंग दे ना ले आंदी छोटे दे नाल दे उस रंग च नहीं थन मिले ना ले आंदी नी जे रती पूरा वड्डे आ जंदे तेरे पल्ले होले जोड़े सा पर तू ते चाहनी है कि मेरा पुत्र रगा वदे ना इथे उड़ जा तीनो अम्मा दे वास्ते बच्चियां दे बारे च वजे गल्ला नहीं करी हूं ते नाले उच्चा ना बोल याद रख इस घर दा मालिक सानू दोनों पर्दा करे नी पर्दे पर्दे विच तू ऐ कान उठी जा रही है मैं आज की बोलिया ते हुन कुछ ही बोलदी रहवां बच्चे आ गए नी तीनो हुन कुछ ना बोली वादे किए मेरे सत्तर साल नहीं पूरा नहीं किया लड़ना तो मैं समझ नहीं अल्लाह की कसम तेरे घरों भी बोलन लग पैनगी और भलिया सौकन की थान जो सवाह पई हो भी वजन लग पैंदी मेरे घर के बाहर कुछ बंदे खलो के पर्दे के इस पास बसन वाले की आवाज सुन ली मैं सोचा मेरे घर की आवाज तो लोगों ने सुनी गई बुलार सुनानिया भी देख रहे जिन्हों की आवाज सुन के अगर बुलो तेन तो मेरा पता ही है मैं तो कभी बोली नहीं आज पानी छिड़न लग गया थी तो ताऊ गल करनी पई मैं तो यह देख रहा कि फकीरी ने जो मेरे घर के बारे च कसम खा के आख्या थी वो कुछ हो आहो बाजी वो बंद करके तो सबक पर याद कर रहे सबक भी कुछ साढ़े घर की लड़ाई वर्गा सबक साढ़े घर की लड़ाई वर्गा सी सी सबक अब वही सबक लिखने वाला लिखता है जिस घर के बुजुर्ग आपस में लड़ते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि उनके बच्चे उनको लड़ता देखकर क्या सोचते होंगे जींदा रहा मेरे सियाने पुत्र अल्लाह तुम तो मनुष्य ना सोचा तो मैं भूल रखे पर फकीरिया मेरे घर में कई नजर लाई हो
तीजा ब्याह करन नू जी करदा फिर बन्नू में करदा। चौधरी जलालुद्दीन आखदा के अपने टबरा ते रोह पा ते रोह उन्नी देर पै नहीं सकता जिनी देर तक उन्होंने टबर कुटना लगे ते गल किस तरह बने। चुटकी वड्डी दी चुटकी छोटी दी दोवें चुटकियां वजान दोवें करां दियां कुनालियां टकरां ते फकीर ममता फेर बजदी तेरी जान। बीवी जी हुक्म है कौन क्यों पलवानी हूं मेरे को तौन गुन्नी हूं तौन किथे लाउन पैड़ी कौन ते मैं तेरे को कुछ नहीं की कर। हां एक बड़ी अच्छी गल करना है तेरे फायदे। अच्छा अच्छा मेरे फायदे की हां छेती कर गल ए वे तू है मेरी मोहब्बत अखा नू दिल दस लो दफा दो बंदा तेरा मशहूर शेर की बच्ची हाथी की बच्ची गुस्सा ना मनाया कर किसी डॉग की कतूरीये डॉग की कतूरी कहू कहते बब्बर शेर की बच्ची बना देते। अच्छा गल मैं कर रहा सर मैं आज कुटना नाले लम्मी ते ना काली तेरी सौकण ते मेरी करवाली मैं पन्नी अज ओ ते लगदी दी नाली। अरे जरूर को हाथ मोड़ छेती उठ परफेक्ट एडी छेती मेरे गुस्सा ते चढ़ लंगे गुस्सा तू किने चढ़ेगा बस मैं किसे दे मुंह ते एक टांट मार दिया ते मेरे गुस्सा। अरे किनु लगदा तेरेगा टांट ले तू मेरे मुंह ते मार ले ते अपने आप नु गुस्सा चढ़ा ले। नहीं कर सकता देख मैं तेरे नाल नहीं बोलना छेती नाल मेरे मुंह ते मार ले। अच्छा मार मजबूरी मार मैं गुस्सा चढ़ के ते तू इत से कर नहीं तो तेन ताप जम जाएगा। अच्छा गल विशारो कि मैं उन्होंने कुटना ते तू उन्होंने आके बचाना जे तू कटाई तेन कोई लप्पड़ टांट कौन ही बाजे तो समझ लियो फीस बिजली लै गुस्सा ना मना। अरे मैं गुस्सा नहीं मना विशा की तेन भी मार ली पर इन्ना कुटी कि मेरे सीने च ठंड पै जाए तो जे फिर भी ठंड ना पवे तो अन्न च बर्फ मंगवा के सीने से तार ले। अरे छेती जा गुस्सा ना कट जाए। अच्छा चल छेती जा गुस्सा च जा नहीं कुट के तो बस ठंड पा दी मेरे सीने। भागा आ लिए बच्चिया आ लिए सरद कद आ लिए खोए आ लिए मलाई आ लिए पौड़ियां आ लिए हुक्म देवी जी आओ जी। हाय जी तुसी भी जी मैं भी जी आज की गल है जी ठीक ते हैगे जी की हाल है जी। वाकई किसे ठीक किया कि सेहरिया दी व्यार ते मोहब्बत दे पुल च बड़ा फर्क होंदा जी। शुक्र है जे तेनों भी कुछ फर्क लगा है। ये फर्क उन मैं कट के छड़ांगा तो फिक्र ना कर। अच्छा वे खुल के गल कर क्या ना की जाने गल कि मैं आज टब्बर नंबर दो नु लानी है तौनी तू उन छुड़ान आना जे छुड़दिया छुड़ान दिया तेनों कोई वज जाए ते समझ लियो फीस भी ले ला। ऐ कोई गल नहीं भावे मैनू एक दिया दस लग जाए पर उन्हू चंगी तरह पन्नी फिक्र ना कर जिन्निया भी लगन गिया सुथरिया लगन गिया तूफ नहीं करनी शिकवा नहीं करना गिला नहीं करना क्योंकि ये दुनिया है प्यारे यहाँ टबर के मारे बेकुटते हैं सारे। आए इस मार्ग बरकत पाए तेन जो मैं क्या घर का खर्चा घटाई तो तू अपना खर्चे अपने कद वगू बधा दी कबूतर दी छतरी लम्मी है मैं तेरे गिटे चार दिन देखे तू कितों आ गई गिटके फीस भी मेरी जिंदगी में वो दिन कभी भी नहीं आएगा कि मेरिया बीवियां भी उच्ची बोलन बोलन गियां चौधरी सौकन की थान जो बुझी हुई सुबह तो रब की सह भी पखन लग पैंदी मैं तो तेन आदमी वाली
कदम बुलाया है। मेरी लोड़ आ गई सी ते लोड़ इसलिए पै गई सी करमा वालिया। तेरे एक साथी ने आख दिता है कि तेरे सब ही टूट सकते ने। तू कितने मिले थे आने वाले बड़े वक्त के अखर के दिन पाले। मैं छोटी का फैसला सुन के ही अपनी तकलीफ का फैसला किया है। जिन्हें तानू दुख देने वाली गल् शुरू कर दी ने जी मैं कुछ दिन लिए एक पास हो जावा फिर हो सकता है वो तेरे में दुख देने वाली गल् शुरू कर दे। मैं चाहता कि तू मेरे को एक पल ले हो जाए। सदा ले उसे थोड़ा ही हो जाना है। वो मेरे छोटे पुत्र की मां यह जी गल कर दी है कि उन्हें अपन चावान दूड़िया अपने हथी पाई ने ते मैनू सगना का चूड़ा मेरे मापिया ने पाया थी। वो तेरे पिछे मापिया की पद ला के आई थी ते मैं तेरे ना मापिया की शर्मा का खून कट के आई थी। ये सब कुछ मैं तेरे सुख लिए भी करनी हाँ ते तू मैं अपने दुख लिए इतने रखना चाहना है। मैनू ये दुख मिलने चाहिए सन इसलिए इन्हों दुखों वाल मैं आप टुर के गया सा। जे तुम ही टुर गई हो तो अफजल वो ताड़ा पुत्र है मैं उसकी वलदियत नहीं बदल सकती तो उसका पिंड भी क्यों बदला। एक मेहनत करनी हाँ अपने पुत्रों के सदके मैनू कभी तलाक ना देना। मैं सुने हम जो तलाक लिखते ने चंगी बीवियों से भी कोई इल्जाम ना लाओ तलाक नहीं बढ़ती। नहीं नहीं दीना तो यह कभी नहीं हो सकता यह कभी नहीं हो सकता। मैं तेरी जिंदगी के सुख अपनी इस पुल के दुख तो कभी नहीं बटावगा कभी नहीं बटावगा। मैं तेरा ना रखन लगी नहीं ते नहीं सोचा कि तू अफसल होगा। साढ़े जहां पुत्रों ते मावा लग जाए ने मां जी पर भरावान नु भरा नहीं लगते। अफसल मैं तेरे को भरा ते खोण नहीं आई। मैं तो तेरे अबे दे सुख दा सोचनी हाँ। मेरे गल्ला सोचना तो तुहाडा काम है मां जी मेरे सोचे सामने क्यों आ बैठे। शाला मां की उम्र भी लगी ते भाइया मां का पुत्र भावे घट बने भरा भरा ही रवी सारी जिंदगी। अल्लाह करे प्यो की छत्र छावे सलामत रवो। फकीरिया जालमा और की सौ खा के साचा से कि मेरे घरों भी उच्ची बोलन गया मेरा उस बाण ते मैनू भी हासिया नाल दुख टालन का बल दस दे जालमा पर मेरे ते हासे ही रुसे। चौधरी जलाल अज तू डोले क्योंकि सियाना बंदा पर मैनु कोई सलाह दे इस दुख को किवें बच सकने। बस आगे कर दुखा के ते आप क्या ने दीवाना किया पासे नहीं रुसन देना चाहता बेलिया ते पागल हो जा। पागल हाँ मेरा ये जिंदगी का तजर्बा पागल हो जा बेहिस हो जा बेगैरत हो जा ते जे ना होया जखान के खिलाफ देख रहे जिन्हें तेरे पुत्र की मां बनाया अल्लाह वास्ते मानक बना वे पिछे मापिया छड़ के पिछे लियो दुनिया वाले प्यार वधिया शादियां करनिया छड़ देने। मैं दुनिया नाल थी मैं अपनी दुनिया नहीं जुड़न देवांगी। मैं तुम्हें कहना कि मैं चौधरी के बदले अपनी दुनिया देने लिए तैयार हाँ तो यह जे मर नहीं सकती तो करो नहीं कच्चा मैं हम लोग ठंडिया नहीं होती तेन करो तीनों तू मापिया के घरों निकल के मेरे खान की इज्जत बन के इस घर आई से मैं तेन इस घरों नहीं निकलन देना। मैं इस घरों निकल जावगी ना मैं सामने होवगी तो ना तू किसी लड़ेंगी। शाला मां मर जाए तो प्यो का निशान ना मिटे जे।
फकीरिया हूं मैं तेरे को चला नहीं रहूंगा, मैं आप मर जाऊंगा पर गलत नहीं हूं मिटन दे। अज मैं सारा पिंड सुना के दसना चाहना वा कि मेरी जिंदगी का सज्जन कौन है, दुश्मन कौन है। अब्दुल की मां तू घरों बाहर निकलिया बह के रोन लग पई है, उन्होंने आखिया कि तेनू इस घर रोन के सिवा कख नहीं लगना, असी अजे भी तेरे नाल ही गया, मेरे वाल नखरे ना तकी है, उन्होंने बांह च बांह पा दूर गई। झूठ बोलन लग्या पर इन्ना कि सोच रहा ना लैके मैं झूठ भी बोली हाँ, कभी उन्हें भी झूठ बोलिया जीना। मेरे घर दिया शर्मा ते हयावां दा बन टुट गया है, जेड़ा साबर पत्थर मैं उस हड़ अगे रखिया होया सी वो रुड़ के तेरे घर आ गया। अब मैं मोड़ दे भाइया, जे तू ना मोड़िया तो रब की सौ इसे हड़ में आप रुड़ जाऊंगा, ते ना करी
इस पत्थर की आन साढ़े बड़े करके हुए हैं, साड़ी की जरूरत है कि ना करी। सीनू हूं तेन मेरे नाल मुड़ के जाना पड़ेगा। जे मर नहीं सकती तो करो निकल जा, मैं हूं इस गर्म लोई में ठंडिया नहीं होने देवगी। तेन करो कल तो छी आप निकल जाऊंगी। सोचने की लग पी सोचनी है पैन कि कल ही ना करो। जे तुम मैं अज ही मुड़ के लै गए तो इस मोड़ के ले जाने तू एक नवी लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं उस लड़ाई की कोई परवाह नहीं, मैं तेन इतने नहीं अपने घर वेखना चाहना। एवं थोड़े जिन की गल है वो कल्या रहन का चा पूरा हो रहन दो। उन्हें अपने आप आखना है कि पिंड वाले चदराणी कह के जड़िया गल्ला मेरे नाल करते ने वो मेरी अकल तो उम्र तो वड्डिया ने। इन गलों का जवाब जीनो ही दे सकती है, जा उन्हें मोड़ लिया। जीनो जिहड़ी गल मैं समझाना चाहना वा मेरे सुनने वाले वो क्यों नहीं समझते? अच्छा फिर तू ही समझाने वाले की गल से गल कर लिया। तीनों के कल्या रहन का चा भी पूरा हो ही जाए। नी अकल दी अन्नी है आ नी लमी है अखा दी है अन्नी है। नी मैनू ते दिसदा है तू ते हाली तक अन्नी है। हला मैनू ते उस दिन दी मार दा आज पता लगा है के फकीरिये ने सानू मारिया क्यों सी। मारिया क्यों सी फकीरिये ने है? और ये बारो दस्ते सी उन्हें मारिया क्यों सी? सुनिया ये चौधरी जलाल दीद दी सलाह नाल मारिया। हला और ये जिस दिन उन्होंने तेनू फैंटी लाने की सलाह बनाई सी ना ते विच चक्कर दे के मैनू भी फैंटी लाई सी ते मैं उन्हें ऐसा चक्कर देंगी ऐसा चक्कर देंगी सारी जिंदगी रुलता रहेगा। ए मैं क्या घर आलियो ए बच्चे आलियो लड़ाई झगड़े आलियो किधर गुजर गई हो? आइए करमा वाले आ बिल्कुल ठीक है आ जा फिर। वाह 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 तंदीन यकीन है मोहकम तमदन ईमान इतफाक सलूक ते मेरे घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह वाह बड़ी खुश है मेरी चमकीली डांग आज तो मेरी केस भी पूछल तक खलोती। नहीं नहीं ये तो मुजरे खलोती तो मैं तू अलग अड़िए बारो। हाँ नहीं शारे बाबा मैं तो खुदा नु जान देनी है ते ए मेरा बचाजी खुदा है मैं तो दी खिदमत बड़ी ही करया करनी। नहीं तू भावे कर ते भावे ना कर मैं ते तेरे नाल बहुत ही करनी है। की बिस्ती? नहीं मिया जी ए हो सकता है इज्जत। नहीं ओ कड़े हिसाब किताब च ऐस गले के मैं सेरे नाल आई है। हला ते मैं ते बड़े पखेड़े नाल आई हुई है खराब। पिछले साल के कपड़े पाने बुला के लाओ कवे आप बड़ा ही जितने। खैर कोई गल नहीं मेरा भी ना पीलो जिन्ना पिछे जिदा करना है। जे मेरा बार चल गया ते लोग याद नहीं आते। ताड़े तो छोटी अम्मी दे आंदे मैनू कोई तीसरा याद नहीं आ सकता। फिर मेरे से जान लगे तू नवे कपड़े क्यों नहीं पाए? ऐसे पुराने नहीं अभी अभी तो नवे ने। तेनू छोटी अम्मी ने तो नहीं आख्या नवे कपड़े ना पाए? नहीं अब्बा जी तू तो मैनू बड़ी अम्मी नाल भी बहुता प्यार करदे। इतनी निकी उम्र च एडा सियाणा क्यों हो गया बेईमाना? निका जिहा दुख भी वड्डा सारा रोग बन जाए भाई। अच्छा असीं अपने जवान पुत्तर नूं भगत दसदे ने। असल जी अब्बा मैं इन्हां दोवां बालां नूं मेला विखा ले जा रही हां। सावर जाओ पर मेले विच इन्हां दोवां दा ख्याल रखी। बच्चे ने ना मैं तो सियाणी आ ना घबरा क्यों गए? इसलिए पीलू कि तू कुछ बहुत ही सियाणी। अच्छा रख जाओ।
जी अल्लाह करे मैं छेती छेती वड्डा होवां ते अपने अंदर फिर सोनी जी कार लै के आ। आखो पुत्र वे ऐ ते मैनूं पता है कि तू अनवर दे पिछे अपनी मां नूं छड्डदा सी। अच्छा तेरी गल ते दस जी अम्मी जी कि तू अपने वीर विच होर की कुर्बानी दे सकदा? जो कुछ मूं कवे अम्मी जी ओहदे कहण दी की पुछना पुत्र वे। मेले ते आण लगे सन ते वखरा हो के मेरे अगे रोण लग पिया। रोण लग पिया क्यों रोया मेरा? किधरे ओने तेरे चूनू अपनी पग तेरे सिर रख दिया वेख लिया ते मैं रो के कहन लगा कि अम्मी जी अफसर भाई ने कपड़े ना पाते मैं भी नहीं पाता ते उन्होंने अब्बाई की पग अपने सिर ते रख ली है मेरे सिर ते नहीं रखी। सिर्फ पग करूंगा मैं पता घर मेरी जान की लोड़ पा रही है। नहीं नहीं अजय नु तेरी जान की लोड़ नहीं पई वो भी तो मैं उधर ही सांभ रखी हुई है अम्मी जी। और ना इधर आ भाई अपनी पग ले ले पग मैं दे दे मेरे दूजी गल है वे कि उन्हें कहा कि भाई जी ने अपनी पग मैं देती ना तो घर जाके अब्बाई ने खो के ना पग फिर अफसल सीते रख देनी है। गल तो ठीक है ना अफसल? बिल्कुल ठीक है अम्मी जी मैं उस घर नहीं रहूंगा। अब्बा जी ने दूसरे पुत्र का सिर ना दसेगा पग भी को सीते रहेगी। मैं रही गली पाई गया इतों चला जा जे भरा दिया खुशियां लिए जाना चाहना मैं इत मैं रोक नहीं सकती। माफ करना मां जी अपनी खुशियां ले जे मेरी चमन वाली मां मैं कदी ना रुकता वो खेड़ के आवे तो उन्हें कह देना कि तेरा भरा तेरे सुख तो दुख ना मेरे चला गया। जी पायन कथे गए ने? ओ चला गया पुत्र बड़ी दूर चला गया। मेरी जिंदगी भी अखीर हो चुकी
मेरे सजना नु बोल लिया फकीर सजना नु मोल लिया चौधरी कालू नस के वड्डी भाभी दे पिंड पड़ो ओनू आखी तू ते पिंड छड्या सी ना ते तेरा चौधरी दुनिया छड़ गए असी लोग कंध बन खलो जाइए ते डके नहीं रहते तुर जाते होंगे उठ पैन मेरी असी भी घर चली है घर केड़े घर पाया जिदे नाल ओ घर सी पता नहीं उन्हें अपना घर वखरा बना दिता है उस घर का दीवा ते उस घर वाली ने नहीं बलन दिता हुण इस कमर का दीवा मैं बालांगी ते कदे नहीं बचण देंगी खलो जाओ अपना इलाका शुरू होता उन्हें एक आवाज मार दी थी इतों एक बंदा कट्ठा हो जाएगा साढ़े चु कोई भी बच के जा सकता दुख तो इस गल का कि अज भी ठेकेदार नोट लैके वापस चला गया कोई गल नहीं फिर नोट लैके आएगा तो बच के नहीं जाएगा चलो मार दो
मैं सोचिया तड़े तक जरूर पहुंचनी चाहिए। काका तू आया कितों ते जाना कितने जितों आया वो उधर मुड़ के नहीं जाना। मुड़ के नहीं जाना पर क्यों? उस घर वाले की इमानत अपने सिर तो ला के उस घर वाले अंदर आया। इस घर की इमानत मेरे हथा ही सी वो मैं ताडे हाथ पड़ा। बेटे जे तेन अपना पुत्र बना के असी कोल रख लीए तो फिर अपने पुत्र दे अग्गे च मैनू हक ना देना। पुत्र दे साडी ते धीवी है पुत्र ते असा हुण तेनू बनाना है साडी इमानत सिर तली ते धर के। देख के ट्रक चलाया कर सुदागरा तेरी जरा जी गलती नाल बंदा मार चलिया सी। ओए मैं ओ वा जिदा नाम ले के मां पुत्र डांदियां ने इना लोकां नु आ बचना चाहिदा। इना नु पता नहीं ट्रक दी किल्ली सुदागर ने नप्पी होई है। तू बड़ा बेवकूफ आदमी है मैं तैनू हमेशा समझाया पर तेरी उल्टी अकल ने कदी सीधा जवाब नहीं दिता। याद रख मैं सख्ती भी करांगा। ओए अकल नु हाथ मार ए पट्ठा नंबर 31 है एदा मालिक साडा सक्का चाचा है असी कभी ओरी परवाह नहीं की तू तो मुंह बोलिया पुत्र तेन की समझने। डागरा जे तू अपनी आदत ना बदली तो मैं तेरी थां दूसरा ड्राइवर बदल जाऊंगा। गर्मी खा गया कुमार ने यार असी मियां तेरे बंदे का भी ध्यान रखेंगे तो ड्राइवरी भी करांगे पर एक गल याद रखी मैं वह जो ना लैके मां पुत्र डरांदियां ने। ओए पागल दिया पुत्र आया गल मेरे सामने ना किया कर नहीं तो मैं किस दिन तेन डरा लैना। अपने मां प्यो दे पता नहीं फिर की कर दो रख दे गल मेरे मां प्यो जी ना बीवी जवान ती घट नहीं ना बा छड़ने तू हां करे तो मेरे हाथ विच बड़ा ही चंगा घर का रिश्ता है। जी भैना तू पहला भी आई सा ते मैं तेरे नाल खुल के गल नहीं सी कीती ते लै लग सोनी है रेशमा मेरी भतीजी है ते मैं अपने भरा नाल वादा किया है कि उहदा विआह अपने पुत्र अफसर नाल करांगी। पर मैनू भी कई साल हो गए ने इस पिंड विच आउंदियां जांदियां मैं तो तेरा पुत्र कभी नहीं देखा। खैर नाल किधरे दूर गया हो ते चली मां दे दिल नू आज भी उम्मीद क्यों मेरा दूर जान वाला एक दिन जरूर महारा मुड़ के घर आ जाएगा जो दे घर आंदे ही मैं उहदा विआह कर दिया। फिर तो बड़ी चंगी गल है अल्लाह करे दूर जान वाला छेती मुड़ा। जवानी तेरा कुछ न हाल भगवान से मिला चाहे सजना
चल मुटारे मैं तुम तेरे पिंड छड़ा वा ठहर जावे चोरा ऐसे तक चुपके ले आए हूं अपने पिछले ने भी बुला ले तेरी लाश इतो चुपके ले जा मां एने तो तेरी धी दी इज्जत बचाई है मैंने चुपके ले आन वाले बदमाश ने तो नफा दिता एने रेशमा माफ कर दे जाना पूछना चाहना क्या तड़ी थी आहो यकीन नहीं आता खबर कि तेरी मां ने दूसरा ब्याह किया होने उस कमीने ने जरूर पता होना है कि यह मुठियार की रीति है और तेन एक बार क्यों दसिया कि वह मुठियार उस पागल जी माई की भतीजी है तो उस माई ने उन्होंने अपने गुआचे पुत्र नाल मंगे है गुआचे पुत्र नाल मंगे है ओए आहो जे वह गुआचा पुत्र आ जाता तो मैं उन्होंने दसदा मैं वह जो ना लैके मां पुत्र जाने तू तो एवं मत्था ला ले सा सुदागरा जे चाहना तेरे नाल मत्थे ना लगे तो उस कुड़ी वाल हूं मैली अखने तक मैली अखने तक कोई किस हिसाब तू तो अंज गल करना जिम्मे तेरी मंग होंगी जे अपने मूह मंग बनाई दिता
ते जट पुत्र सिर ले जाए पर मंग नहीं छड़ांगा। ओ ना छी भाइया सारे नाल क्यों लड़ना है? आप उस माई का पुत्र मुड़ के आएगा तो छुड़ा लेगा। छुड़ा दे लिया ये लोफरा हूं ते किसे दिन ऐ कहना है मानू जाके तेरा ख्वाजा है पुत्र आ गया। अकबर पुत्र जेड़ी गल अज मैं तेरे नाल करन लगा ये उस दिन तो संभाली हुई है जिस दिन तू साडे घर आया सी। हुकम करो अब्बा जी। तू गल कर लाडो दी मां। साडा ख्याल है पुत्र इस घर की सारी जायदाद से जिन्ना लाडो का हक है ओना ही तेरा। ठीक है मां जी तेरे समझ दा। मैं तो उम्मीद करता था कि तुसी कहोगे तेरे जिहा भरा सारी दुनिया विच नहीं लभ सकदा लाडो। तू गल नहीं समझे अकबर तू इस मां प्यो की इन्नी खिदमत की है पुत्र असि तेन उस खिदमत का सिला देना चाहती है। मां जी पुत्र आख के भैन का भी तो बनने नहीं देते और की सिला देना छवि सियाने पुत्र असि भुल गए सकते भैया तू जान तेरी भैन हूं भैन वास्ते वर भी तू ही लभना मेरा फर्ज यह हो सी अब्बा जी। पहला ओदी शरारत ते घट कर नहीं नहीं लाडो दी मां। अच्छा 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 शादी नाल नहीं पुत्र प्यार समझाई सो। मैनू पता है अब्बा जी लाडो इन्नी को लड़ ली कि वो ताड़ी पग का भी खिडौना बना ले तो तुसा उन्होंने यह नहीं कहना कि यह मेरी पग है लाडो ए ना खेत। सारे पिंड च घर पुछदा रहा पता लगा कि तुहाडी ती है मेरा सारा शाबा लुट गया मैं तबाह हो गया। चौधरी अल्लाह करने वाला अल्लाह करने वाला हौसला कर पले लोग असीं तैनूं पैसे दे देंगे पर तैनूं भुलेखा लगता है साडी ती मेम शेम कोई नहीं हो। बिलकमू ए बाबा ते इत्थे पहुंच गए नहीं तो फिर की है चल के तो नहीं लाने ए गल है फिर चल। ओए की गल है बाबा कदा वाला पारी ने काका मेरा ख्याल है कि मेरा छाबा लुट देना तू ही रखा हूं वो कुड़ी ने तीसरी जड़ी मेन बड़ी सी। ओए इना का तो मुंडा है ते ओ मुंडा मैं हां तू की जाली अख पा रिया है। चौधरी साहब जे मुंडा तुहाडा पुत्र है ते उस ने बनाले दी सारी शक्ल मिलदी है हुण तां मन जाओ तुहाडी धी। ओए उस मैम के कपड़े आई भी अच्छी सा। अच्छा जी नोट खोल रखो मैं तो फिर ना खोल की क्या है लेवी तेरा पांच और बन गया ही। अब्बा ऐ जरा सिरकट के फड़ाई मैम फड़ाई 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 क्यों फड़ाई
जी जरा ना कि जो दुआ करना है। अरे ना बेटे, ये चंगी शह नहीं। चंगी शह नहीं तो फिर तू क्यों पीना है? मैं तो एवं जरा लाडो की करनी कर लो तमाशा। लै भी भले लोग, ऐ 30 रुपये तेरे सौदे दे ते 10 तेरे दो तपिया दे। हैरान ना हो, अगों वास्ते भी मेरी दीकर तेरे छापे नू हाथ पाए ना तो उदा हाथ ना डकी, अपना नुकसान मेरे को आके लै जाए कर। मेहरबानी तेरे साहब, सलाम अलैकुम। जा रब रख। मैं इस फरिश्ते नू तप्पा भी दिने ना मार सकता। जिन्हें दीवे की लाट पत्ती बाल रही है। पर मैं पूछनी हूं, तू साडे घर क्यों आए? जे मैं कहां मैं अपने घर आया ते फिर अपने घर सीधी तरह कहो कि तू उस बौगे बदमाश को मेरी इज्जत बचाई सी ते होचना है कि तैनू मेरे नाल मोहब्बत होई है कि नहीं। मोहब्बत ही हो जाएगी, आना जाना तो हो ही गया ना। ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਜਾਣੀ ਸਮਝੀ ਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਥਲੇ ਸਕਣਾ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਠਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ। ਵੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਲੋਂ ਬਾਹਰ? ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈ ਫੜ। ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਡੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਵੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਡਾਡੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰ ਤੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ? ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ 100-100 ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗੇਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਢੀਠ ਭਰਾਉਣੇ ਆ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ ਹੁਣ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਸਤਾਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਘਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਚਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੁਲਾ ਗਲੋਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਲਈ 2 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਦੂਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਆ ਗਈ ਫਕੀਰੀਆ ਮੁਸਲਮੀਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਵੀ ਗਮਕੀਨ ਤੇ ਮਸਕੀਨ। ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ, ਦੀਵੇ ਤੇਲ ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਖਵਾਸ ਪਈ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਹ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲਈ। ਭਾਬੀ ਹੱਸ, ਕਹਿਰੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਵਸ। ਸੁਣਾ ਕਿਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਲ। ਪਰ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਯਾ ਉਤਰੀ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 13-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬਹੁਤੇ ਡਰਨ।
भाई तेरी औलाद हूं तो डरना ही चाहिए, पर मैं तेरी छोटी भाभी दे और दा हाल पे पूछनी है। हाल दा पता तो हुन लगेगा भाभी, अनवर मुद्दा बात कर आ रहे। अनवर कर आ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, एनिया मुद्दा दे बाद इस घर में किसी मर्द का पैर आवेगा। फकीरिया एक गल याद रखी, अनवर दा खून बड़ा ही सुचा है ते साडा ईमान है, झूठी मां भी होवेगी सो ते सच ही बोलेगा। अनवर ऐसा उच्चा जवान देख के मां ने गली में छड़ पै रही। जाना सुना मां, मेरा प्यो भी तो ऐडा उच्चा होना। नहीं पुत्र वे, तू तो प्यो का सिर कट गया। सिर कट गया? बड़ा बेहा याद कर। मां दी दुआ वाले तू तेरे नाल। मां मेरे तो बाद तू ऐडे बड़े घर में कल्ली रहती थी। की पूछने पुत्र जी, ऐसे बड़े लोग रहते सन। बड़े लोग रहते सन? तो किधर मेरे आने की खबर सुन कितने टुर गए। नहीं पुत्र वे, उन्होंने तो तेरी मां की बहादुरी ने कढ़िया है। अच्छा अच्छा, जबरदस्ती रहते होने। सुन, मैं तेरी दूजी मां नाल लड़ के तेरे प्यो नूं इन्ना कर दुखी कर दिता कि तेरे दुश्मन की मां तेरे प्यो नूं सुखी करन लई पेके टुर गई। अच्छा अच्छा ठीक है मां, ओ ना जानती ते तू टुट जाना सी, मेरे प्यो दे सुख दा सवाल सी। दे मैं ते जाए नहीं सी, मैं ते तेरे प्यो दे पिछे मापे छड़ के तू आई। बिल्कुल ठीक है मां, प्यार मोहब्बत दी शादी विच मर्द नु एनी कुछ सजा जरूर देनी चाहिए। ए सारीयां गल्लां छड़, उन्हें जुल्म बड़ा पड़ गई गया सुना ते तेरा प्यो ते दुनिया ही छड़। तेरे पैना को दस दे ओ पग किथे वे। ओ हां की लगदे है भाई मारा? मैं पग पूछ मां अलमारी विच। चाबियां किथे? ए मेरे कोल। अनवर इस घर के पैसे कितने ने मां? जिनी देर इस पग वाला सिर नहीं आता मां, ऐसे पैसा ना पड़ी। वे मेरा पुत्र हो गया तू की गल कर लग पे? मैं प्यो का पुत्र हो गया वा मां, तू मेरा भरा बस करके मैनू सारे जहान में कलिया कर दिता। मैं वो प्यो नहीं मां, जेड़ा पुत्र ते टुर जान नाल दुनिया छड़ गया सी। मैं अपने प्राण ने सहान के कोने कोने में लपांगा, तू ते ओदे सिर तो सिर्फ पाग ही लाई सी ना मां, ते जे ओ मैनू मिल गया ते मैं पैरों तो सिर भी चुकांगा। माँ जी किथे जाना जी? माँ जी थोड़ी दूर पिंड है पुत्रा, उठे जाना है। ऐसा मेरी रात बीच तो तुसी कदम भी नहीं चल सकोगे, मेरे नाल बैठो मैं तानू ताड़े घर तक पहुँचा देंगा। नहीं नहीं मैं दूर जाऊंगी, मैं ताड़े पुत्रा वर्गा वा माँ जी, मैं अपना पुत्र ही समझो। बैठो माँ जी बैठो ना। अच्छा माँ जी मैनू इजाजत दियो, मैं चलना। इस वेले जाना कितने पुत्र? सफर शुरू किया है, हाले हाले पता कितों तक जाना पड़ेगा। मां जी ऐ कौन है? मां जी मैंने तो सक्या पुत्रा वांगू मां आख्या सो। तो तू सक्के भरावा वांगर वीर कह लग पैना? मां ते भैन दे घर आके वीर दलीज में टप्पे किन्ने दुख दी गल है। अंदर आ जा, जे बड़ा जरूरी जाना है ते अपने ऐस करो, कुछ खा पी के जाई। खाना पीना की है भैन बेटी? ऐ सोच के कड़ी जरूर पै जाऊंगा कितने वीर के पुत्र आखिर वाले का मान ना टूटे। जा रेशमा वीर ले कुछ बढ़ा दिया। अच्छा माँ जी सुन पुत्र, तू रस्ते विच भी मैंने अपना थां पता नहीं दसिया, सिर्फ माँ ही आखे ही ते जे माँ आखे ही ते एक मत दनी है तेनू, एडा डावा डोल होके सफर ना कर, इत्थे रह पो पिछा मुड़ जा। जी हाँ पुत्र, एवं जी अनेरिया रात कदी कदी बंदे ने एह जी थां लै जांदियां ने जिथे ना कोई मां मिलती ना कोई भैन दिसदी
ते ना कोई भरा बनना है। देखो जी गल है माँ जी, तो फिर मैं पिछा मुड़ जाऊंगा। ऐसे मेरी रात में ऐसे तुर पिया था कि जिन्हें मैं समझाना सी उतिया अपनी समझा उल्टिया हो गई सन। अच्छा माँ जी खुदा हाफिज। खुदा जोरा देवी का प्राण जरा जबरदस्ती साढ़े घर आ गया। वालेकुम सलाम। पर मां इतने कोई नहीं, ओह तेरे जो गरीब गुरबे खैर खरात आटा या पैसा दें। मां को तो मैं मां ही मानूंगा, वो भी मां दे घर आ गए। पर इस वेले तो मैं इतफाक नाल हुसन के दुआरे आ खड़ोता। प्यार की खरात मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी जनाब जी। तू है की है वे जिन्हू वेख के तू मथे वट भी पानी है, गुस्सा भी करनी है, ते तेरे गुस्से वेख के सू यकीन होता जा रहा है कि तू सू प्यार भी करनी है। हाय मैं मर गई। एक बार हस के गल की कितनी वक्त ही पा लिया। वे तू चाहना की है वे जोरा जोरी दे प्राण है। तेन चाहना ते तू ही मन जा, इस प्राणी तू नहीं चाहना। खिचांदा है मनाना है। हाय मानी मा
तू तो सानू गला कड़नी है ना, असि चल के मां नाल गल करांगे ते जेड़ी गल करांगे सुन के तू ऐना उछलेगी कि छाल मार के नहर टप जाएंगी। छाल मार के नहर टप जाएंगी। एदे मगर चढ़नी रेशमा, किधरे मां अगे शिकायत ही ना कर देवे। हाय मैं मर गई, ऐसे सचमुच ऐनी मुद्दत तो बाद मां ने पुत्र नु मिलना है। सोच ले अकबर, तेरे दसन नाल मां नु यकीन आ जाएगा कि तू ओदा अफसल है। यकीनन मन्नेगी, मैं ओदा पुत्र। देखो यकन नु हाथ मार, मेरी मां लोकां दी मां वर्गी ने। मेरी मां वर्गी ते है ना, वे क्यों अपने नाल मेरी भी बेइज्जती करानी हो। खुदा दा वास्ता चला जा, मैं अपने नाल तेरी इज्जत ही करांगा। रेशमा, रेशमा मां जिस सौदे की गल कर ही दी है मां, ते उस फर्ज के बदले विच मैं तेनू मां कहना चाहना। वे तेरे रूप विच मेरा पुत्र भी मेरे सामने आ खलोंदा ते मैं उन्हें गोली मार दूंगी। तू ते मैनू किसी घटिया मां का पुत्र लगना है। मैनू गोली मार दे मां, पर मेरी मां नू घटिया ना आखी। वे जे पुल पुलेखे किसी चंगी मां का पुत्र है ते तेनू उसे मां की कसम है, अज तो बाद मेरे पिंड वल मुंह ना करे। मां पुत्र नु अपनी सौं पा के आ दिता है, मां नु मां ना कर। थोड़ा जा होर गुस्से हो लेंदी हूं, पर अन्ने से पूछ लेंदी हूं तेरी मां कौन। कोई गल नहीं, हूं मैं सामने आऊंगा जिस दिन आप पूछेंगी पुत्र तेरा नाम की। वे हुकुम नु मोटर ते कारा की बहन माला मेरे नजीर पुत्र दा मुंह ते बाते साथी दे नाल काली दे मुंडे नु गुट पिछे मत, तुसी ते भन दोगे मेरी लत। चलो फकीर ममदा हो जा पांच छे सात। क्यों नहीं बारो, कैसा बचाया? ऐसा बचाया कि मजा आ गया। कितनी देर हो गई, मेरा नजीर है मैं पता नहीं किधर चला गया। सानू ते अपने बशीरे दा पता है, वो मोटर कार विच बह के गया। निशिदा ले फिर बचा ले अपना बूथा। है की बदतमीजी? बदतमीजी एदा ना ते मारता बाऊ जी। ते जे तू मालते नू बदतमीजी समझना, हुन मैं तेनू तमीज नाल मारूंगी। मैनू ते तू किसे बदमाश प्यो दी ती लगनी। मैनू तो तू किसे बदमाश का पुत्र लगना। ओ मुड़ जा डाकू की लड़की। ओए डाकू का लड़का होवेगा तू? मेरा प्यो तो ठेकेदार है, ठेकेदार। ते जे कोई बहुता नुकसान हो गया ना तेरा, तो जा फिर मेरे प्यो को चला जा। ओ मेरे किते नुकसान की कीमत भर देगा, ते मैं भी आके सिफारिश कर देंगी कि अब्बा इस गरीब नु 2-4 रुपए वध दे दे। मैनू कोई परवाह नहीं। ठीक है, तेरे बदखबरे प्यो ठेकेदार नाल गल करनी पेगी, जिन्हें जवान ती दा इन्ना हौसला बताया होया। खबर होगा तू, जा 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 जा। ओ बशीरे जी आए
ਆਇਆ ਛਿੰਦਰ ਜਿੱਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿੜੀਆਂ ਕੁੱਤਰ ਕੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਚਿੱਕੀ ਚਿੱਕੀ ਵੱਡਾ ਬਾਹੂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾ ਪਾਂਡੀਆ ਕੀ ਕਾਲੇ ਉਲੂਚ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲਾਡੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਬਖ ਨਹੀਂ ਓਏ लाडो मेरा प्यो है कर लो तमाशा अच्छा 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 समझ गया समझ समझ लाडो ताड़ी पी है आहो आहो मैं भी समझ गया मैं भी समझ गया पुत्र जे तेरा कोई नुकसान कर देता तू ते सी जुर्माना भर देने चौधरी साहब असी अपनी गड्डी ते लंघ रहे साहब ते ताड़े तीन सानू माल्टे मारे आहो मारे ने ते होर अब्बा इना दे सिराए दौड़े मार के कोनो कूर हो जाते सी दोवाने तुसी ते कमाल बाप हो ताड़े तीन राह लंघ रहे नाल शरारत कीती है ते तुसी भ्यासदे हो तेरा की ख्याल है शरारत रोकन वास्ते हथ चुकया हुंदा ते अज मेरे जे राहगीर नूं हथ ना चुकना पैंदा चला जाओ बाबू नहीं तो मैं तेरे हाथ ला देंगा जे तू बुजुर्ग ना होंदू तो मैं आदा जवाब तेन हथी देता चलो पिछड़िया ला और तो मैं बाजार च मिली राजा कमीने अब्बा इतना गुस्सा क्यों होना है कोई अपने समझ के किसी के हाथ चुकता है ना ये की कह दिता ही लाडू अपना मेरा मतलब ये भी अब्बा उन्हें मैंने चुपिया मारी है ना तू उन्हें हथकड़ी ला के अंदर कैद कर ले हाँ फिर मैं उधर को गिर गिर के बदले लाऊंगी चला गया उन्हें से की करिए किधरे तू ये तो नहीं कहेगी बचड़ा ये बाबला मेरी अज वाली शरारत दे पैसे ना दें मेरा रिश्ता दे दें मेरा मतलब है अब्बा इन्हें मैंने चपेड़ मारी है ना तू इन हथकड़ी ला के अंदर कैद कर ले हाँ फिर मैं तेरे को गिन गिन के बदले लांगी लाडो ये लाडो ये तो अच्छे सिर सूट के पे बार बहू अनवर आया छिंकर दे पुत्र नूं बकवास करन दी आदत है मैं हुण नहीं जाऊंगा बुजुर्गां दी मन लै की पता सी वापस जाइए साडी कार काली टाली नाल टकरा के चिकना चूर हो जाए आ जा प्यार का है जमाना अपने आप नूं तां बचा बैठो बैठे जी बैठो जी अच्छा मियां जी लाडो दी मां देखो चाय छा लिया बहु रे मां जी को बिस्कुट भी भेज देना एडी को तकल्लुफ वाली गल नहीं चुप कर चिड़े चुप कर यार जिहड़ा मामला गया कोई गल नहीं बाबू जी देखो ना जिथे तुहाडे वड्डे लोकां नाल चमचे चमचे हुंदे ने उत्थे इहो जिहे सेलुलाइट दीआं चमचियां चमचियां वी हुंदियां ने गल ही कोई नहीं आ बाबू जी तुसीं कम शम की करदे हो एमिया जी सर्कस दे विच पहले मूंह थोड़ी अग कड़दा सी आ बकवास ना कर पंड दी औलाद चौधरी साहब हाली ते मैं तालीम हासिल करके आए रहा सां ते बड़ी वड्डी मुहिम ते करूं बाहर आ गई मुहिम ते करूं बाहर आ गया आहो मियां जी इहने को मारी दी चोटी सर करनी सी ना तो ओहदा दाखला लिया से ओए फिर बोले चुप कर जा चुटी दिया बेटे जी तुहाडे वड्डे जिम्मेदार है करदे ने ना सच पुछते हो चोरी साहब ते मेरा बड़ा मेरे कोल किनारे करके है ते हकीकत वी है मैं उन्होंने लभता फिरदा लै बाबू पुत्र असीं भी तैनू लाडो दे वड्डे भरा नाल मिलावांगे सानू यकीन है कि उन्होंने मिलके साडे वांग तैनू भी बड़ा कुछ लभ जाएगा मैं तेन मिलान लिया बिठाया पुत्र बड़ा चंगा लड़की मैं तेन बड़िया मिनत लैके आया मैं उन्होंने दूनिया मिनत के करना पर कपल भी हथ नहीं खिलाउन दिया
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਈ ਜੇ ਆਪ ਸੀਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਦਮਾਸ਼ ਉੱਥਾ ਤੱਕ ਉੱਥਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਸਮੀ ਠੀਕ ਹੈ। मेरा दुश्मन है, दुनिया की कोई ताकत दे हाथ नहीं चुक सकती, हूं जिन्ना चिरे तखम न भर जान ये मेरे घर रहेगा। कच्ची निंदर ते नहीं ना चुकाया साजा, तेरी साथ की नहीं हो जाए जादू मेरे दिल ते, ते मैं हूं साऊं जा ते मेरा दिल जा करेगा। सच बाओ पर ए दिल अतरा होंदा की है? दिल दिल इंसान दे हस्ता होंदा लाडो, खाली थक थक आंदा है, दिल दिल तो नहीं आंदी, यकीन नहीं हो ते कान ला के सुन लो। साडा ख्याल है लाडो जी, मां बाऊ पुत्र सौ गया हुण, साडा फर्ज है लाडो दे अब्बा के बाऊ पुत्र सौ नहीं गया होवे ते फिर भी उन्हें चल के देखिए कोई तकलीफ तो नहीं। हां हां बाऊ चलो आप देख लेने, चलो वो बेड़ा गर्क हो गए, लुक जा लुक जा लुक जा, पानू बिल्ली बनके तेरी मंजे थले लुक जा। आओ आओ लाडो जी, मां तुसी चल के आराम करो, मैं सारी रात अपने बाबू पुत्र को बवांगा, ऐसी तैसी उस माणो बिल्ली दी मैं फड़ के सिर भन देंगा। आए की गल पुत्र, जाओ क्योंकि हुण मैं भी आराम करना चाहना। अच्छा फिर मैं बुआ बंद कर देना जो बिल्ली आने का खतरा ही ना जी, ना ना की गजब करन लगे हो। मतलब मतलब है चौरी साहब के मैं भी बाहर आना चाहना हुंदा है, इसलिए तुसीं बुआ खुले रहिंदे हो। अच्छा अच्छा अच्छा
बुआ खुले रहेगा। अच्छा फिर आराम करो तुसी। बाऊ तेरे कहते आज पहली बारी लुकी ना। तू तो लुकी सना इधर बेड़ा घर कौन लगा सी चोरी सब दरवाजा बारू बंद कर लगे सन साबत तेने सन्ना कर लगे। बंद करे चीर फाड़ तो बाहरों करवाए चल हो गया क्यों तेरा कुम मर गया चलो हाय हाय उथे करी दी है जिथे कुम मर जाए अलित मैं जिंदा हूं शरबती अखा लिए और बोल सुना वे जख्मी देख के हड्डी पसली का दस दे ते फिर मज कसाई की दुकान ते बा हड्डी पसली का गोश्त बेच चला जा कि बूचड़ पुत्र तबीज ना गल करे क्या तेरा छोटी अंबी वर्गा मुंह है चला जा कि हूं कहते मुंह लिया वे सिंगल पसली असली अंबी असली वे तू नकली गल छड़ नहीं मैं गल सिंगल पाके रखे हुए ने तार तार के मेरे सामने आ रहे फिर दस दिन तेन मेरा किरा रूप चंगा लगता है मैं तो दसा फिर तू डॉक्टर बन जा तेरी थाते मैं ले पर क्यों तू दस रही कुछ नहीं मैं ऐसे दस्तियां की ना
मैनू की दुख है डॉक्टर जी। लाडो तू मां प्यो की बड़ी लाडली थी, उन्होंने लाड प्यार तक ही रहो, अगे ना बद। देखो जान के अगे बढ़ती हूँ, मेरी जिद ने उन्हों को तेन मंगया, पता नहीं हूं तू मेरे को मैनू क्यों नहीं मंग लेना। लाडो हाँ हाँ कल कर, तू हूं जा ले, हाँ एडी छेती चली जा, मैं ते हाली तेरे नाल गल्ला करनी है सर। गल सुन लाडो, गल्ला करन तो पहला इना ख्याल जरूर रखी कि तेरे भरा ने आके गुस्से जरूर होने, ते ओदे गुस्से तो बाद तू मैनू याद भी नहीं करना। याद नहीं करना, जिस दिन मैं तेन भूल गई समझ गई याद उमर गई। अकबरा और सुना भाई, अकबरा तू इस पिंड किस तरह? मैं तुम्हें अपने इधर आने का मतलब दस देंगा, तो उस तो पहले तक पूछ सकना तू इधर किस हिसाब चाहे। मैं वो यारो अपने गांव में यार का ब्याह से उधर गया था, वापसी ते तेनू तक क्या रिवाज मार लिए। सुदागरा फिर भी कदी इधर आवे एक गल याद रखी, जे किधर जावे ते ओदे वाल मैली अखना तकी। रेशमा? कौन रेशमा? रेशमा मेरी मां दी प्रेमी है। वो बंदूक वाली माई तेरी मां है? ओ जे गल है ते फिर आज तो रेशमा साड़ी पर जाइए। मैं क्या अकबर तू अपनी मां नु नहीं मिले? दुख भी है हुई है के मुत्तां दा पटकिया होया मुसाफिर मंजिल दे कोल पहुंच के भी उन पा नहीं सकिया। तो जब तू उन्हें मिलिया सह तो तू उन्हें दस्या क्यों नहीं कि मैं ही तेरा गुआचा पुत्र? दुख भी है हुई है दोस्ता कि उन्हें मोहलत नहीं दी कि उन्हें मां आ सक, ते अपनी कसम दे के मेरी जबान नु बंद कर दिता सो। तू नहीं फैसला कर ले कि हूं जब आ पुत्र आके वाच मारेगी ते मां आ खाऊंगा। वाह यार तू ही अजीब बंदा है, पर हूं तू साडी भरजाई नु मिलना आया होगा? हाँ मिलने तो उन्हें आया था पर किधरे नजर नहीं आई। अच्छा ते फिर तू इंतजार कर, आपे दीदार हो जाएंगे ते मैं चलना। रब रख रब रख। है यही मेरा मंगेतर है जिदे मैं कई साल तो खाब भी देखनी हाँ, जिदा मैं कई साल तो इंतजार भी करनी हाँ, ते मेरे जोरा जोरी दिया प्राणे हाँ। खैर ना जोरा जोरी दिया प्राणे हाँ, इस वेले तो मैं कुछ होर मंगता, मैं तो तेनू मिलने आया था ते तू ही उन्हें आवाज मार के बुला ले। हुन तो सौ बंदे विच ही बैठा होवेगा अफसर। अफसर? आहो अफसर कदी नहीं चकांगी, अगे वध के बाह फड़ लांगी। की कह रही है? पता ही अज लगे सजना दूसरा तू तो हाकी साडा है। रेशमा तू किधरे मेरिया तो सुदागर दी गलां तेरी सुनिया? यह गलां सुनिया ही अज ने अफसर, पर इन्हां गलां ते अपना कन बढ़िया मुद्दा तो लाया हुआ सी, हूं तो जाके मां नूं भी दसांगी कि मुबारक होवे मां मैनू तेरा गुआचा आया लाल लभ गया। खुदा दा वास्ते रेशमा ऐ बोलना करी, पता ही ना मेरी मां ने मैनू अपनी सौं दित्ती हुई है ते मैं तैनू अपनी सौं देना, हाली मेरी मां नूं मेरा पता ना लगे, उन्हें मैनू ते मां आखा नहीं दिता, हूं आप जिस पुत्र आख के आवाज मारेगी ते फिर मुड़ के देखा। चलो नहीं गल करांगी, पर तैनू मेरा एक वादा करना पवेगा अफसर, मेरे मुंह अकबर को आने तेन रोज मैं मिलना पवेगा। रोज मिलना पवेगा? सोच ले, नहीं मिलेगा तो फिर मां नाल ते गल हो सकती है ना? ओ नहीं नहीं नहीं, मां नाल गल ना करी, मैं तेन रोज मिलांगा। सच? हाँ मुझे दस्ते गुले फार्म की शहजादी। मैं क्या की फोन फोन हो रहा है, कलेजी पक रही है कि दिल पक रहे है? तू मैंने इतने की करना है? एग्रीमेंट यानी के मुआयदा। मैं क्या गलत दस, इना चिर हो गया तेरी मेरी मुलाकातों नु, मगर आज तक तू मैंने ये नहीं दसिया तू किधर मंगी हुई। तो नहीं वे जे मैं नहीं मंगी करेगा फिर मैं तेन मंग लवाना। चल वे झूठे सारी अंजी कहते अपने वास्ते नहीं, वो इस वास्ते कि मैं अपनी अखन रोज अपने प्यो का आशर वेखना, कभी डंडा उत्ते कभी प्यो थले, कभी प्यो थले कभी डंडा उत्ते, कभी डंडा उत्ते कभी प्यो थले। मंग तू मेरे भरा दी होवेगी। वे तू तो मरने तू की करेगा? मैं तेरे नाल प्यार करेगा, तो ब्याह के तेन वो लगेगा, तो फिर रोन सोन वाले गाने सुन के
तेन बड़ा स्वाद आया करे। दे रोन मेरा दुश्मन, तेरे भरा नु मैं मारनी है गोली। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जे हुई गोली से दोवे भरा अपने दिल से खा लिए तेन कोई इतराज तो नहीं। पर तेरा मतलब की है? मतलब तो मेरा सीधा ही है, जे असि दोवे भरा तेरे नाल ब्याह कर लिए ते फेर वे तेरा बेड़ा तरे। तेनू गल कर दिया शर्म नहीं आंदी? ओए शर्म तो मैंने जुत्ती ने दुआ दी है, ओदियां जुत्तियां ने मजबूर कर दिता कि मैं तेनू आके साफ साफ कह दिया कि मैं तेरे नाल ब्याह करांगा। अपनी मां फजा ताश वाली कह दे तो 13 तरीक वाले दिन जंज वंज बरादरी बरूदरी बिचे मेरा प्यो होगा फकीर है। लैके इतने आवगा तो नाल गल सुन, मान साहब साहब कह दी कि झूठा जबर ना पावे क्योंकि अजकल बड़ा फैशन ही गई। जनाब कहना सुनो गई आहो, तू दवाई पीनी है ना? ओ मैं दवाई पी लांगा पर तू किस हिसाब च आ रही है? आए खाए तेन तो बीमार होना भी नहीं लाडू। उठ ना बाऊ। ले हूं मैं दवाई पी ली है, रात होने वाली तू जा। तू जा असल जाके भी मैं नींद नहीं आनी, अखा तो हम नहीं खुलिया ने। पर इस तरह देख के मेरी फोटो लानी है पेड़ा दर्जी बिल्लो जान जी, असा ते तेरी फोटो ला भी ली है, ते पता ही रखी किथे? अपने दिल च तू ए दस, तेनू जरा भी पता लगा है? मैनू ते इंज लगता लाडू किते ओ ना होवे तू अपना पता भी भुल जाए। तेनू फेर भी नहीं भुलांगी। हां बाऊ पता नहीं लोकी खबर मैनू की समझते नहीं, पर तू मैनू की ना समझी कुछ होर समझी। लाडू जे तू मैनू ऐसे तरह समझाती रही ना तो रब की सो मेरी अपनी समझने की मत मारी जानी। ऐसे होर भी चंगी गल है, अल्लाह दा वास्ते हुन जा। हथ क्यों जोड़ना है, चली जानी है, बतेरिया गल्ला कर लिया। चुप करके खलोता है, कोई गल कर। गल करने का वादा नहीं किया होया, रोज आने का वादा किया है, आ गया तो खलोते हुए हैं। इंज लगता है अकबर जिमें तू मैनू दिलों मिलन नहीं आता, वादे का बजे आया आ जाने, बाकी तेन कोई प्यार श्यार नहीं मेरे नाल। की गल रेशमा? शाला नजर न लगे देने सुन सजने ला मुडे नाल मोडाने लगने शाला नजर न लगे देने सुन सजने शाला नजर न लगे देने सुन सजने।
सिर दावे असी ते दोवे अजलों सजना एक दूजे ते लगने आ शाल नजर न लगे वे एने सुने सजने हो शाल नजर न लगे वे एने सुने सजने अकबर लाडो का बागैरत भरा गया है पर साड़ी धी लाड प्यार वेखी दे सीने विच मेरा ख्याल है चोरी साहब तुहानू अपने पुत्र दी मननी चाहिए वो दी मन लवां ते मेरी लाडो की जिंदगी तबाह हो जाएगी मेरा प्यार अज तक उसकी हर खुशी खरीद लैंदा रहा अनवर बेटे अपने घर का पता मत कर नहीं मैं तो उन्हें आप नौकरा गुलाब का फिर वादा करके जा अनवर जिन्हें देर उस घर का मालिक घर नहीं आ जाता अपनी इजाजत दो खुदा हाफिज बेटा बशीरिया ओए बशीरिया खाना खराब पता नहीं किधर टूर गया आओ चौरी साहब तुसी बड़े वेले सिर आए हो मैं ताडा भी मशकूर हाँ इजाजत तू जा सकना है शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आते मिला यार हाली ते तेरे घर वाले का ख्याल है मैं इस घर आंदा जांदा रहा ते मैं कोशिश करांगा मेरे घर वाले तेरे ख्याल भी अपने दिन ना आन देन वैसे मैं तेनू अपने को अच्छा इंसान समझ के कई बार सोचा है बड़े भरा की थां समझ लवा तेन मेरा छोटा भरा मेरे लिए दुनिया की सब तो बड़ी शख्सियत है मैं तेन भरा का दर्जा देने भी तैयार नहीं लै यार फिर एक दर्जा तेन असी देने दुश्मन का तू ना साडा भरा बनया तो ना ही दोस्त हाथ जोड़ी कर मेरे नाल आज तो तू मेरा दुश्मन है मेरा बाहू टूट चलिया है मेरा बाहू टूट चलिया है सारे पिंड नूं पता लग गया बदल दीना कि लाडो की आखिरी खुशी वो बाहू सी साडा ख्याल है कि ठेकेदार उन्हें खरीद नहीं सकया इसे वास्ते पागल हुई फिरदी लाडो तेरा भरा इत रह नहीं देंदा तू इतों जान नहीं देंदी मेरे वाल दुश्मनी का हाथ बताया ते तू तू जान तू प्यारे सचिन दी नजर नाल तक लग पई समझ नहीं आती की करा तू है परदेसिया मैनू नाल नहीं ले जा सकता ते इस गड्डी थले दे जा बाऊ तेरिया इन्हां गल्लां ने तेरे नाल मैनू भी पागल कर दिता तेरे वर्गे बाऊ लोग भी कदे पागल होए ने पागल ते मेरे वर्गियां होंदियां ने पहले बोल बैठ के ये तू सुन लावे मेरे
अल्लाह दी सौबा तेरे जान तो बात समझ ले मेरी रू नस नस के तेरे को आती है ते कहती है बाहू उन्नी देर ते मेरे को ना जा जिन्नी देर कब्र नहीं बन जाती मेरी मैं तेरी कब्र नहीं बन दिया लाडू जे तू मेरे पिछे टूटी टूटी मौत दियां हद्दां टप पाई तो मैं भी तेरे को आंदा आंदा जिंदगी पिछा छड़ देंगा सच बाहू आहो लाडू मेरे को धी के दुख नहीं हो वेखे जाते मैं मर जाऊंगा की पे कर दे मेरे सिर ते ती दे दुखां दे पहाड़ सुटी जांदे हो तुसी लोग ते मैनू गम भी गलत नहीं करन देंदे अगे कदी रात दे हनेरे च लुक छुप के ऐसे बुरी शै ना गम गलत कर दे सो हुण चिट्टे दिन पीण लग पायो लाडो ने देखा ते की आखेगी शादियां करना चाहना शादियां बशीरिया शादियां अब्बा ए तो तू दो कीतियां ते तेरियां शादियां वे के दिल करदा कमियां कर लईए बल्कि खुदकशियां कर लईए भाई जान हाँ है जे फर्क होवे जे मुंह भैड़ा होवे तो गल तो चंगी करनी चाहिए औतरी दिया ओ माई जबान नहीं लगाम ते कोड़िया नहीं ओए ओ कोच बांध दिया पुत्रा चुप करके बैठ तू तेन नोक टोक कर क्या दिमाग गिरज वांगू मुंह कट के बैठी अब्बा तेन मैं 50 बार कह के मेरी मां नु जुक्ता ना करया कर जुक्ता कर करके ओदा फरीड वरगा मुंह बना देता ही ओए मुरब्बे दिया पुत्रा मैं ब्याह नहीं करना वे उतरी दिया जे ब्याह नहीं करना ते होर की करना वे भांडे के लिए करांगा या ब्लैक करांगा ओ ब्लैक ही दियो पुत्रो की मतलब तुहाडा असी ब्याह नहीं करना बीवियो हुक्म लो फिर साफ गाले वे जिन्ने कर लिया ब्याह समझ लो हो गया तबाह गाल करन जोगा भी नहीं रहंदा क्या अब्बा गाल करदा बड़ी सुथरी करदा तल्ले करदा मिंथा करदा कल फड़दा ये क्यों नहीं कहंदे कि बच्चे दी कलमा कटदा हुक्म है बीवी हाँ मैं तो कहना मैं ना रोकना ना टोकना मैं तो जबरदस्ती शादियां करना चाहना मैं किसी का कोई डर नहीं अब्बा मैं नहीं ब्याह कराना ही वो छुरमचूआ वो मेरी नसल मुकाना चाहना मैं तो मुका देंगा हुक्म है बीवी जी गल कर दे हुक्म दीना हूं मैं भावे कहो ना दिन दिना सारे सप सौ गए बंदरा पुत्र बशीर उसाए ने जी अब्बा जी बशीरिया अब्बा और बशीरू की अबू ओ मारो कुत्या ओ देखो मैं तुहानू मोहलत देना कभी नगद भी दिया कर तेनू मैं जहर ना दिया पुत्र बशीर हुसैन जी अब्बा जी जरा मेरा पौला फड़ा कब्बा कथ गया जेड़ा मर्जी फड़ा जिसे हाथ पहुंच दे हुक्म है बीवी जी मैं सलाम मशवरा करके दसो तुम ब्याह करना चाहते हो कि नहीं जी भाई जी अनवीर बकवास कर कहना की जाना खाना खराब हो नाना पैना की कर लगे खराब मशवरा कर लगे हला 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 मैं समझिया प्यू का खाना खराब कर लगे हाँ हाँ दे बुढ़िया तू तो मेरे मुंडे नु एडी जोर दी जुत्ती मारी आराम ना दे कर बच्चों के गल ना पे कर उठ चल के कोई मिस्सी मल कोई सुरमे की तारी हो लम्मी घर मुंडे सलाह मशवरा कर गए ने तुम्हें उठ कोई बारह खजाब ला के आ टोडल काम वर्गा मुंह कट के बैठी हसनी है मेरे को चुंज ना बनवा ली
अनवर एने ढेर सारे जख्म कितों लवा लिया मेरे पुत्र? मां दुनिया के लाए हुए जख्म तो तू देख ही ले ने, पर जेड़े फट तेरे प्यार ने मैनू अपने आप वखरिया करके लाए ने, वो मैं तेन किस तरह पाव? मुंडिया दुश्मनों अपना सज्जन ना पा, तू भावे उन्होंने अपना दुश्मन आप मां, सिर्फ इन्ना को दस दे कि अपन दुश्मन से मेरिया सज्जनों जो तो दुख देंदी होंगी सन, नुकरां विच लग के रोंदे किस तरह सन? वे पहला मां का पुत्र ते बन मरण तेरे सज्जन मोया देख के सी मां, इंशाला बाकी मेरे तो बहुत गल कर चुका नहीं सी, आप मर गया सी। ये जिस तरह की लिखी हुई थी उसे तो ही मरना सी ना भाई माना, तू मैं की गल शुरू कर दी? सोचना मां किन्ना हौसला सी उस मां का, जेड़ी साढ़े प्यो के सुख पिछे दुखा की पंड चुक के टुर गई सी। वे कमीनिया ते अपने पुत्र ले तेरा हक भी खो लेना चाहती थी। किन्ना अजीम सी पुत्र जेड़ा अपना हक भी तेरे पुत्र दे हक भी छड़ गया सी। वे अकल ध्यान ने मैं समझने की कोशिश कर, उन्हें सारे दे हक ते मैं तेरे लिए खो लिया सी। मां हुण मेरा हक उन्हें सारे दा हिस्सा बन सी। ए कदे नहीं हो सकता, मेरे कदे नहीं होंदे होंगे। ए सब कुछ होगा मां ते मैं तेनू करके बहावगा, तू मां बन के जिस पुत्र नाल तगा कीता सी ओदी बाह फड़ के लियावेगी ते मुड़ के आवगा, नहीं ते याद रख इस घर भी तेनू मेरे प्यो की कबर दी ना लेरा दिसे। हो की ले समझ गई हां, मेरी सौकन ऐस करो जांदी जांदी मां ते पुतले कोई तभी दब गई होगी। ए सब कुछ तू ले आया सुदागरा? आहो चाचा की है जे अपना घर है, ए तेरा अपना घर कदे नहीं हो सकता मुंडिया। कमाल है चाचा, अकबर ते कहंदा सी आया जाया कर, पर तू तो सानू घरों बेकार करन लगे है। तू ना खाई अपनी लाडो पिछे खा लगी। मैं तेरी सारिया चालों समझना, तू मेरे घर का सुकून बर्बाद किया, मैं तेन जिंदा नहीं छड़ांगा। अकल नु हाथ मारा बुढ़िया, ओए बुढ़िया तू चंगा नहीं किया, याद रखी मैं और इस घर का बंदा ना बंदा नहीं रहन देंगा। ओए मैं वो वा जिदा ना लैके मां पुत्र डरांदिया ने। लाटो कितने गई है? तू ते कह के गया से कि रोज आवा करंगा, फिर आंदा क्यों नहीं बाऊ? और कितना इंतजार हो रहा है लाडो रानी है? की क्या है वे बेशरम राजा? ओ क्या ते तेरे प्यो ने वे असी ते हुन कुछ करांगे। ते जा फेर करदा, फिर मैनु क्यों आवाज मारी हो? और मैं तेने चुकना है वीर वे, उन्हें पैन तेरे कुछर चढ़न वाली नहीं रही, उनते मैं आप तो फिर सकनी हूँ। जी तू मेरे नेड़े आवी ना ना तो मैं छूट भी ला जाऊंगी, परवाह नहीं। ओए मैं तेरे वर्गी हिरनिया नू कदी दूजी चुंगी नहीं मारन दित्ती, मार ले बाद जिन मारनी। बे कमीनिया जे मेरा लाला आ गया ना ते जिन्ना हत्था नाल मैंनू चुकन लगया उन्हें तेरा हाथ भर देने। ओए जी आज जो भी सामने आया तो उन्हें भी निबड़ लांगा। फिट्टे मुँह भुखा बादल। ओए बेगैरता साबित कर दिता ही ना मेरे सामने, तू जड़ी कसमा खा दिया सारा सब झूठ सर। और झूठा तू है सिर तो लैके पैर तक झूठा, जेड़ा तेरा प्यो नहीं ओनू अब्बा कहना ते तेरे नाल वड़ झूठा होवे, जिदा पुत्र कोई नहीं ते तेन पुत्र कहना है। मैं त्यों वा जिदा ना लैके मावा पुत्र डरा दिया, अज मैं तेन डराना। Thank you.
तू ऐसे की भी करने से चल दूर रह तू। मैं क्यों गुस्से होना है? गुस्से होना है दूर रह तू चल। लिप्त तू मुंह ढिला करके क्यों आ रही? तेरे हाथ से कितने रुड़ गए ने मेरी ये दी। मैं तेन चुप देखना ते मेरी जान ते बन जाती है। तू चुप क्यों है लाडो? सुदागर रस्ते मिलिया सी। सुदागर मिलिया सी की कहता सी? मैं फड़ के ते मेरे नाल हाथा पाई करन लग पिया। जो तू लालन आ जाता खबर मैंने चुकी कितने ले जाता। लाले ने उन्हें मार मार के निठारता। मैं कार आ गई। मैं उस कमजार को जिंदा नहीं छड़ांगा। जान दे लाडो दे अब्बा जे उन्हें तेरी इज्जत वाल हाथ वधाया होना ते अकबर ने भी हथा से यहोजी सट मारी होनी है कि वह फिर तेरी इज्जत वाल हाथ वधाण की हिम्मत नहीं करेगा। हट जा लाडो की मां। इन्ना ते सोच भरिया लोका तू एक जवान धी का प्यो भी है। जवान धी का प्यो मेरे अड्डा डिया रब्बा जवान धी दे प्यो नूं एड्डा मजबूर क्यों कर देना है जड़ा ना बोलन जोगा हुंदा है ते ना चुप रहन जोगा। अकबर की सादगी ने उस फरेबी का हथ मेरी इज्जत तक पहुंचा दिता है। जे साडा पुत्र मन जांदा ते अज धी दा दुख मेरा रोग कदे ना बनदा। कुछ भी सही लाडो दे अब्बा मैं तो अनु आज आया नहीं पीन देनी ऐसे को उठ के एक पास होवो। आओ सलाह करिए घर का दुख किवें कटिया जा सकता है। घर बर्बाद हो रहा बेगम इस बर्बादी से रोण वास्ते आज मैं जरूर पिया। नहीं लाडो दे अब्बा नहीं मैं तो अनु नहीं पीन देंगी। कभी यह भी सोचा जे कि घर में जवान धी है तुसी ते अपने हर दुख दा गम गलत करन ले आए बोतल खोल लेंदे हो। जे लाडो ने देख सुख लिया देख देखी इस दवाई ना लंबा हम गलत करते हैं। रब दा वास्ता है जनाओ मेरी एक गल सुन।
लाडो अज मैनू गल ना ला ले बाओ अज कोई परवाह नहीं लाडो तू शराब पीती है बुरी शायद कितों पी आई नहीं नहीं बुरी चीज नहीं बाऊ मेरा अब्बा इस दवाई नाल गम गलत करता है तू मैं तो नहीं सी मिलिया आज मैंने तेरा बड़ा ही दुख सी ते मैं अब्बे दी दवाई दा भरिया एक गिलास पी लिया हम कोई परवाह नहीं थी बच्ची मैं तेना तू पीती क्यों है लाना है बहु फिर मारना है तू पीती क्यों है मैनू मैनू जानो मारती बहु पर तेनू मेरे प्यार का वास्ता मैनू रोज मिलिया कर रोज मैं तेनू सारी जिंदगी मूल ना बहु ए ना तू मैं जन दिन नहीं समझिया मैंने दवाई पीनी पैनी जे हूं तो मैं कदी ना मिलिया मैं मर जाऊंगी बहु लाडू माफ कर दी मैनू नहीं सी पता तू प्यार थी जा बहु बड़ा दिन तोड़ी और मैनू व्याह पत्र की बड़े दिन तोड़ी थी कोई पास ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ नसके ने तुसी इहनू चुक के रेशमा दे पिंड पहुंचा दिया परवाह नहीं होए ओ तेरा बेड़ा घर कोवे की कीता ही मैं दवाई पीती अप्पा कहंदा है इस दवाई नाल कम गलत हुंदा पर तू तू तो कम होर लगता है लाला बाओ ओए इधर मुड़ बाओ हां अज जरा जवान औलाद दे सामने गम गलत करने वाले प्यो दा मुंह ते मेरे सामने कर जिन्हें जिन्हें भी प्यो दी लाडली नु गम गलत कीते होए वेख्या उन्हां विचों एक बंदा भी हौली नहीं बोलिया होना मुंडिया मैं तैनू कहनी आ हौली बोल मां फिर मैं तैनू भी कहना तू भी हौली ना बोल अज मैनू उस प्यो नाल गल करन दे जिन्हें औलाद नु इन्ना सिरे चढ़ाया प्यो दे हथों हर शह खो के खाण दी आदत पैनी
क्या जोश है जीने प्यो दे सीधी शराब ही पी मुंडिया खुदा दे वास्ते चुप कर जा ए साडे प्यो नु तू आख दे मां हाली लाडली जी दा गम गलत नहीं होया एक गिलास हो ले आ दे किन्नू आखा मरी मां ओ तो पहले ही खाली गिलास देख के मर गया होया है प्यों तेरा अखीर बखाव जेड़े औलाद के लाड़ प्यार का हथ नहीं डकते मैंने सामना मारी फिर साढ़े अकबर चौधरी पिंड आया सही चौधरी मां पहली गल तो है मैं मारना कोई और नहीं मार सकता ते दूजी गल है मेरे नो नहीं लड़िया तेनू तो सारे जख्म लगे ने रब ना करे जे तेन कुछ हो गया मैं दस तो सही तू कि पिंड का रहने वाला है सादकपुर था सादकपुर प्यो का की ना है प्यो का ना ही कबर है मां मां जिंदी हो जिन्हें जन्म दिता है वो तो जिंदी फिरती भी मोई लगती है तेरे प्यो का ना चौधरी जलाल ते नहीं मेरा एक दुख का ना आया हुई मां तेरा मेरा प्यो नहीं है अब्दुल तेरा भरा है तेरा ना अनवर है सानू किस तरह पता है मैं भी उस पिंड दिया मेरा भी उस पिंड में एक बाग से जिन्हें जालमा ने अग ला के साड़ दिया से मां बाऊ वीर की कहानी सुनने तो बाद कह लगी वे तेरा नाम अफजल तो नहीं अफजल फिर बाऊ ने क्या किया कह लगा नहीं मां अफजल तो मेरी जिंदगी है मेरा भरा है जो वो मैंने मिल जाए तो मैं समझांगा मेरा प्यो नहीं मिला वैसे मैं तेन अपने को अच्छा इंसान समझ के कई बार सोचा है बड़े भरा की थां समझ लवा तेन मैं तो तेन कसम पाई थी हूं तू मेरे पिंड वाल मुंह नहीं करेगा मां ए कसम तो नहीं खाई पाई कि मां वाल भी मुंह नहीं करा वे आज मैं तेरी मां नाल गल करके जावांगी चल वे तेरा घर किथे मां मां एहो ही तेरा नहीं दफा हो मां दी हद्दां टप्पण वाली है तेरे नाल भी आके गल करांगी चल वे मुंडिया देखिए दारनी ए तेरा पुत्र है ਇਹਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਫਖਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੀਨ ਵਰਗ ਲਾ ਲਏ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ खबरे इन्हें किस शर्मा वाली मां का दूध पीता होया ए मेरी धी का भरा ही रहा सी घर जवाई नहीं सी बड़ी तो फिर मैंने जमण वाली का पता दा मैं उधर से तू चादर ला के पूछा इस बगैर तू किसी की धी पैन वाल मैली अख में तकन की आदत क्यों पाई भैन भला होगी ए करमा वाला जो मेरे घर आया तो यह नाम अफजल सी मेरे घर ने इनू अकबर का नाम दिता सी अफसर बन के आया थी अफसर वे मुंडिया प्यो का ना किया
ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਆਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੀ ਇਹ ਛਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਫਜ਼ਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲਾਡੋ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਸੁਦਾਮਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਲਾਡੋ ਤੇਰੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲਾ ਇੱਕ ਖਵਾਇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਮਗਾ ਓਏ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਹੂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਓਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ ਓਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਮੈਂ ਚੋੜਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੋ ਟਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਐਸਰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪਗਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਵਰ ਦੀ ਜੰਜ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਲਾਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਿਹਰੇ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਡੋਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਭਾਈਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਨਵਰ ਵੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੁਕਾ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਬੇਸਮਝਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋ ਲਿਆ ਵੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਮਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਆਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਚਾਹੀਏ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਇਆ ਹਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪੇ ਛੱਡ ਗਈ ਤੂੰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੋਂਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਮਝਾਂਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਜੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾਨੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆ ਮਾਰ ਦਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦੀ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ
ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਚੱਲ। ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰੇਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਏਗਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਭੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਜਨਨ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੜੀ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਪੀਨਾ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਆ ਚੱਲੀਏ, ਓਏ ਤੁਰ ਪਓ ਚੱਲੀਏ। ਵੀਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਬਦੁਲ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਬਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ, ਸੁਦਾਗਰ ਲਾਡਲ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੁਦਾਗਰਾ, ਤੂੰ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਲਾਈ ਅੰਬਰ, ਲਾਡੋ ਦੀ ਟੋਲੀ ਮੈਂ ਟੋਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੱਟ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮਰ ਜਾ।
पुत्रां नूं डरांदियां ने बचांदियां ने। मां दे बाद पुत्र भी गया। वे मां ते जिंदी है को पुत्र नहीं दुश्मन गया। ओ मां तो ना लेके मां रब करे तेरी मौत मेरिया उन्हें भैन ले सबक बन जाए जेड़िया तेरे ते मेरे वांग अफदर ते अनवर दिया मावा ते बन जांदियां ने पर तेरे मेरे वर्गिया भैन नहीं बन दिया।